সেকেন্ড টু ফেব্রুয়ারি। ডেফিনেশন আন্ডার সেকশন টু পড়া হয়েছিল লাস্ট, আমি পড়ি লৈছিল কি কি এসএসসি পড়া হয়েছিল। সেকশন টু সাবসেকশন সেভেন পার্সন চোৱা হৈছিলে, সেকশন টু সাবসেকশন 31 আছিল আপনার কারেক্ট। তো আজি থাকিব ইন্ডিয়ার ডেফিনেশন, থাকিব অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার, প্রিভিয়াস ইয়ার, আর সব আমি সেকশন 139। তো ফার্স্ট কি হয়ে গেল, ইন্ডিয়ার ডেফিনেশনও বেলেগকে অলরেডি দিয়ে আছে, আর আমাক লাগে ইনকামর ডেফিনেশন, যেহেতু আমি কি পড়ি আছো ইনকাম ট্যাক্স পড়ি আছো। এসএসসি কোন কোন আসলে চা হয়ে গেছিল, এসএসসি কোন কোন আসলে এনি পার্সন হু ইজ লাইবল টু পে ট্যাক্স। তো লাইবল লাইবিলিটি থাকিব লাগিব, লাইবিলিটি ডেফিনেশন বুঝাব না যাও, লাইবিলিটি মানে কি হল দিবলে থাকিব, আর প্লাস কি আসলে যদি কোনোবা বেলেগ এজনের উপর সেই লাইবিলিটি অকার হয়ে আসে, তার কারণে যদি বেলেগ এজন ডিপেন্ডেন্ট থাকে তে উপর আহি যাব, প্রসিডিংস চলি আসলে যদি তে লাগিব, তো এটসেট্রা জি জি আসলে সেইকেইটা ডেফিনেশন আমি অলরেডি চাই থৈ দিলো। এতিয়া আমাক লাগে কি, ফার্স্ট আমি চাম ইনকামর ডেফিনেশন কি হয়, ইনকাম কি বস্তু হয়, এটা ঠিক আছে, এগ্রিকালচারের ইনকাম যোন আসলে সে আমার নেক্সট চ্যাপ্টারত আছে, এগ্রিকালচারের ইনকাম সে আমি পিছত চাম। আর ইয়াত একটা বস্তু মন করবলগা আছে কি, যিমানবোৰ ডেফিনেশনস আছে সেইটো কি হল, যেনেকে ডিকশনারিত কি থাকে এলফাবেট ওয়াইজ ডেফিনেশনসবোৰ থাকে, ইয়াতো তোমালোকে যদি চোৱা তেতিয়াহলে ইয়াত এ ডি আছে এ জি, এই সেম সিকুয়েন্সটা মেইনটেইন করে তেওঁলোকে ডেফিনেশনসটো ডিফাইন করে গৈ আছে। তো আমাক লাগে কি ইনকাম ট্যাক্স। আচ্ছা ইনকামৰ ডেফিনেশনটো কি হব,
বুকত আছে কবাত ইনকামৰ সেকশন কি আছে 24 24 ইয়াত আহি গ'ল फर्स्ट अभी हम लोग को देखना क्या है कि इनकम का डेफिनेशन क्या क्या होगा, इनकम में क्या क्या आएगा। इनकम जब भी यहाँ पे डेफिनेशन से एक रहता है कि यहाँ पे एक चीज है हम लोग को देखना है कि पहले यहाँ पे इंक्लूड बोल के लिखा है, इनकम इंक्लूड्स बोल के लिखा हुआ। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं जगह में बहुत जगह में भी लिखा हुआ है कि कभी कभी कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होगा और कहीं कहीं इंक्लूड से स्टार्ट नहीं भी हो सकता। जहां पे इंक्लूड से स्टार्ट होगा उसका मतलब होता है इंक्लूसिव लिस्ट, उसका मतलब यही सब चीज ही रहेगा, उसका बाद में उसका अलावा और दूसरा चीज नहीं रह सकता है। तो पहले यहां पे क्या बोल दिया कि इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड गेन्स कहां से क्या होता है? बिजनेस से होता है, और कहीं से होता है? कंपनी का होता है, बिजनेस करेगा कंपनी, बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट होगा, और दूसरे कहीं से? जॉब करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, उसका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब होगा? जब आपने कुछ लगाया होगा अपना साइड से। इफ यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग एंड आउट ऑफ दिस ओवर एंड अबव यू हैव अर्न्ड एनीथिंग, तो उसका ऊपर प्रॉफिट होता है। तो आपका ओवर एंड अबव तो कुछ लगा ही नहीं, कैपिटल कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट एंड गेंस नहीं होने वाला। तो प्रॉफिट एंड गेंस एज यू सेड बिजनेस से होगा, और कभी भी क्या होता है कोई भी एसेट हम लोग ने पहले रखा है, जैसे आप पकड़ लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं घर पे ज्वेलरी खरीद के रखते हैं, तो ज्वेलरी का क्या होता है एवरी ईयर आउट ऑफ एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट एप्रिशिएट्स, उसका वैल्यू क्या होता है बढ़ता रहता है। तो वैल्यू जब बढ़ेगा, वैल्यू को अगर हम लोग मार्केट में जाके उसको सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद में हम लोग को क्या हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है। अभी ये बात है कि प्रॉफिट और गेन अगर हम लोग अपना पर्सनल एसेट बेच करके मार्केट में बेचें, बेचने के बाद में अगर हम लोग का प्रॉफिट होता है वो अभी उसको इनकम कहा जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर उसका बाद में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हेड अलग अलग होता है, वो बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट होता है वो डिफाइन हो गया है और उसको इनकम बोल के मान लेंगे और उसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आ गया क्या इनकम में हम लोग को था कि हम लोग का प्रॉफिट एंड गेन्स आ गया, करेक्ट। प्रॉफिट एंड गेन्स हो गया, फिर डिविडेंड आ गया। डिविडेंड कहां से आता है? कोई भी कंपनी ने अभी हम लोग क्या है इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने का बाद में कंपनी ईयरली कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करने का बाद में एनी पोर्शन ऑफ इनकम जब द कंपनी हैज अर्न, उसी कंपनी का जो अर्न किया है उसका कोई भी एक पोर्शन क्या करता है वो डिविडेंड हिसाब से वो क्या करता है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो द डिविडेंड ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, तो डिविडेंड भी आएगा। फिर बाद में क्या आ गया वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाई अ ट्रस्ट। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कौन? खुद से हम लोग अपना मर्जी से दिया है। फिर उसका बाद में आ गया कि कोई भी अभी सैलरीड इंसान है, सैलरीड इंसान लोग का क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड हो जाता है, ये सारा ही होता है। तो ये जो भी चीज आता है वो इंसान तो खुद बोलता नहीं है सैलरीड इंसान की हमको हमारा प्रोविडेंट फंड काट के रख दो, वो तो खुद जिसको बहुत लोगों को पता भी नहीं है वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का सैलरी से कोई भी एक पोर्शन बाई एक्ट बाई लॉ काट के रखना पड़ता है। तो वो तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसका ऊपर क्या टैक्स इनकम बाय इनकम कंप्यूट नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इफ एनी एम्प्लॉयर इज डिडक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ एम्प्लॉई विल दैट इनकम बी कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स? हाँ या ना? वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है या नहीं है पहला बात।
नहीं है, यहाँ पे एक बात हो गया कि अंडर एनी एक्ट और लॉज अदर देन इनकम टैक्स, वहां पे अगर बाय लॉ हम लोग का इनकम से कुछ भी टैक्स बा कुछ भी पोर्शन अगर हम लोग से काट के रखा जाता है, उसको डायरेक्टली हम लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बोल के मान लिया जाता है, क्योंकि वो किसका बेनिफिट के लिए होता है, एम्प्लॉयज का उसका बेनिफिट के लिए होता है, तो वो लास्ट में रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट का बाद में पेंशन मिलेगा, तो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट फॉर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो भी अगर प्रोविडेंट फंड अगर हम लोग का कोई भी डिडक्ट होते आ रहा है, हम लोग का पैसा काट रहा है, तो वो भी इनकम का अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे, लेकिन उसका बारे में नहीं बोला, यहाँ पे किसका बारे में बोला है, होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस, उसका अगेंस्ट में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो वो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनकम का अंदर डालना पड़ेगा। फिर से पढ़ाता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाई ए ट्रस्ट, किसको मिल रहा है पैसा, ट्रस्ट को मिल रहा है, होली और पार्टली, होली और पार्टली, तो वो कंट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है पार्ट, 100 रुपया भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका 50 रुपीज हमने बोला है कि ये फॉर स्पेसिफिक पर्पज यूज करो और ये जनरल पर्पज के लिए यूज करो, तो पर्पजेस अलग अलग हो सकता है, तो ये दोनों होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस बाय और बाय एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होली और पार्टली फॉर सच पर्पजेस। यहाँ पे क्लोज जो 21, 30, 23 है वो भी कोई एक फंड और ट्रस्ट के बारे में बता रहा है जो बाय एक्ट ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे हम लोग का प्रोविडेंट फंड हो गया, वहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन जाता है उसको भी हम लोग इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो 2A हो गया, अभी पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, तो सेक्शन 17 क्या है, वो सैलरी का सेक्शन है, वो चार्जिंग सेक्शन होता है, कोई भी अभी जितना भी हम लोग हेड पढ़ेंगे उसमें एक रहता है कि चार्जिंग सेक्शन, कि किस किस का ऊपर चार्ज लगेगा, जैसे अभी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का जो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं लोग, इसमें क्या बोला कि ये सब चीज इनकम से इंक्लूड होगा, फिर इनकम को फिर हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट किस किस बेसिस में किया जाएगा, ये जो भी इनकम है, इनकम को फिर हम लोग डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में जाएंगे, ठीक है। अभी डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स में बहुत लोगों को पता ही है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में ये सब कुछ चला जाएगा। तो यहां पे बोल दिया है कि पहले सेक्शन 17 जो भी है, एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, परक्विजिट मतलब क्या होता है, एनी बेनिफिट्स व्हिच आर नॉट इन कैश, उसको क्या बोला जाएगा, परक्विजिट बोला जाएगा, और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी क्या होता है, बाहर में जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है कि पूरा साल काम किया है उसको उसका पैकेज कितना है, मान लेते हैं हम लोग 7 लाख पर एनम बोल के पैकेज है उसका, ठीक है। अभी उनका पैकेज में ये था, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि उनको 7 लाख पर एनम के साथ में, इन एडिशन टू 7 लाख पर एनम, उनको कंपनी का जो भी इनकम होता है उनका 2% कमीशन मिला जाएगा, 2% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये किस लिए मिल रहा है, प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, सैलरी में, सैलरी का अलावा उनको प्रॉफिट का एक पोर्शन मिल जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी बोल के माना जाएगा, अंडर क्या है, सेक्शन 17 जो कि सैलरी में आए, वो हेड बाद में हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, अभी हम लोग इनकम में आ रहे कि नहीं है, ठीक है। इनकम में ये आ गया, जो भी चीज हम लोग को कैश में नहीं है उसको भी हम लोग को कैश में कन्वर्ट करके लाना है, इसका मतलब परक्विजिट क्या है, नॉन कैश रिसिप्ट है, तो उसको हम लोग कैश में लाना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग उसको इनकम में उसको एसेस कर पाएंगे। तो फिर बाद में आगे के एनी स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल अलाउंस होता है, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस है, फिर बाद में क्या है, सिल्वर अलाउंस होता है, जो जितना भी अलाउंसेस है उन सब का को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल दिया, एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट,
अदर देन परक्विजिट क्यों बोला है, क्योंकि परक्विजिट उसका ऊपर वाला पॉइंट्स में इंक्लूड हो चुका है। स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द एसएससी, स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द एसएससी, एक ही एसएससी को मिल रहा है स्पेसिफिकली। अगर सबको मिल रहा है तब भी होगा, लेकिन एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है वो इस अलाउंस, तब भी इसको लेना है। टू मीट एक्सपेंसेस होली, जैसे अभी क्या हो गया, डेली अलाउंसेस मिलता है किसी को ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है ओनली एम्प्लॉइज को, बाकी किसी के एम्प्लॉइज को कि उनको अपना डेली ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हाउस टू द ऑफिस बट टू द वर्क ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ वर्क में क्या करना है उनको जाना है, तो उनको डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है। एक्सपेंसेस होली, यहाँ पे क्या लिखे होली, अगर पार्टली मिल रहा है कि कोई भी एक, अभी हमको क्या है, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, एक कार मिला है बेनिफिट में कि आप इस कार को लेके जाइए डेली आप चलाइए, तो यहाँ पे कितना लोग ऐसा है कि वो कार जब मिल जाएगा किसी को वो खाली ऑयल का बाद ऑन ड्यूटी में ही यूज करेगा और फिर अपना पर्सनल यूज में नहीं करेगा। कोई है ऐसा कि ऐसा सामान हमको बेनिफिट मिला है और वैसा बेनिफिट को हम अपना घर का लिए इस्तेमाल ना करें, ऐसा है कोई नहीं होगा, तो क्या करता है हम लोग अपने घर के लिए भी यूज कर लेता है कभी कभी, तो वो भी इसको भी लेना है। यहाँ यहाँ पे खाली होली बोल दिया बोल के नहीं है, अगर उसको पार्टली भी अगर यूज कर दिया क्या जाता है तब भी लेना है हम लोग को। पार्टली यूज करने से क्या हो जाएगा, उसका हम लोग को कैश तो मिल नहीं रहा है तो वो परचेसिंग में आ जा रहा है। ठीक है, नेसेसरीली और एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, एनी अलाउंस हम लोग को मिल रहा है, किसलिए मिल रहा है, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। जैसे अभी हम लोग का क्या हो गया, अपना बच्चा को पढ़ा रहे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो क्या हो गया पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो उसका लिए भी अगर कोई भी अलाउंस मिलता है खुद का लाइवलीहुड को डेवलप करने के लिए, उसको मीटअप करने के लिए, तो वो भी अलाउंसेस को यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो गया, टू कंपेंसेट हिम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसका दूसरा नाम किसी को पता है, एनी अलाउंसेस दैट इज बीइंग गिवन बाय एम्प्लॉयर टू कंपेंसेट फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको क्या वर्ड बोला जाता है, डियरनेस अलाउंस, इसको क्या बोला जाता है, डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब क्या हो गया, डियर है कंपनी के लिए, आप क्या है बहुत डियर है, आप मर जाएंगे तो कंपनी नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको पैसा दिया जा रहा है, तो ये भी पैसा क्या होगा, आपको टैक्स लगना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसका भुगतान आप करेगा। नंबर फोर पॉइंट में क्या है कि द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, उसको आप जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको आप मनी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऑप्टेन फ्रॉम ए कंपनी आइदर बाय ए डायरेक्टर, क्या है ऑप्टेन फ्रॉम ए कंपनी, एक कंपनी से आपको मिल रहा है, आइदर बाय ए डायरेक्टर और बाय ए पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अभी क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये मतलब क्या होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, उसका डेफिनेशन है कि नहीं, यहाँ पे ये काम आप लोग का रहेगा कि आप लोग को हमको देख के बताना है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। आप लोग नोट डाउन करिए कि आप लोग को दो चीज हम लोग को हमको नेक्स्ट क्लास में बताना है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन और उसका बारे में अगर कहीं पे लिखा है इन इनकम टैक्स एक्ट, आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है या जो भी साइट यहाँ पे लिखा हुआ उसी में जाके आप लोग को सर्च करना है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन कहीं पे है कि नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। और एक टर्म है एग्रीकल्चरल इनकम, सेकेंड हो गया टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को इसका डेफिनेशन कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं उसका बारे में हमको बताना है। ठीक है, ये हो गया।
फिर नेक्स्ट आ गया कि द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट सेम चीज ऑब्टेन्ड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव बेसिस। रिप्रेजेंटेटिव बेसिस मतलब क्या था कि सेम चीज अभी हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में अगर कोई था तो उसमें पता गया था कि रिप्रेजेंटेटिव ऐसे से मतलब ये होता है कि कोई भी मेरा फैमिली का या कोई भी क्या हो गया उनका डेथ हो गया, डेथ होने का साथ में क्या हो गया अभी डिसीज्ड ऐसे से खुद से तो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, इनकम एसेस नहीं कर पाएगा, तो उसका अगेंस्ट में उनका होके उनको रिप्रेजेंट करके उनका लीगल हेयर क्या करेंगे वो रिटर्न को एसेस करवाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज पर्सन इज रिसीविंग एनी अमाउंट ऑफ परक्विजिट एनी अलाउंस ही शुड बी टैक्स्ड आल्सो। ठीक है, तो यहां पे इसका बारे में बोल दिया कि कोई भी बेनिफिट हो कितना था 34 कितना में था हम लोग 4 ए में था। The value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, obtained by any representative assessee, जो भी है वो आगे में मेंशन होगा, सेक्शन 160 क्या है वो भी आप लोग को अभी नहीं देखना है, और बाई एनी पर्सन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट एनी इनकम इज रिसीवेबल, एनी इनकम इज रिसीवेबल उनका बेनिफिट के लिए अगर हम लोग को मिल रहा है तो हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आ गया क्या एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर क्लोजेस सेक्शन 28 to 41 क्या होता है 28 to 41 डील्स विथ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो भी होता है हाउस प्रॉपर्टी से अगर कुछ भी अगर हमको इनकम मिल रहा है, घर है, घर से अगर हमने क्या किया उसको रेंट में बेचा है, बाय रेंट अभी हम लोग ने रेंट में दिया है, लेट आउट करके रखा है, उससे अगर कोई भी इनकम आ रहा है हम लोग को तो इस सेक्शन ने बोला है कि इसमें हम लोग को टैक्स लगना चाहिए। फिर बाद में आ गया सेक्शन 45 क्या लिखा हुआ कैपिटल गेन हुआ है, उसका भी डेफिनेशन हम लोग सेक्शन जब 45 मिलेगा वहां पे लिखा होगा कि कैपिटल गेन कहां कहां लगना चाहिए और कहां कहां नहीं लगना चाहिए। फिर यहां पे क्या लिखा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, तो म्यूचुअल इंश्योरेंस म्यूचुअल कंपनी और म्यूचुअल क्या हो गया फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, उनका भी इनकम को एसेस यहाँ पे होना पड़ेगा। तो फिर बाद में आ गया ये क्या हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जितना भी इनकम हो गया उसमें लगना चाहिए। फिर बाद में अभी हम लोग को अभी तक हम लोग को क्या नहीं मिला था लॉटरी का इनकम हो गया था, क्रिप्टो का इनकम हो गया था, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस या कहीं भी रेस हो गया, पोलो का हम गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम्स में हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट में गेम्स खेल रहे हैं, आजकल ई गेमिंग आ गया, उससे भी अगर कोई भी विनिंग्स हम लोग को मिलता है वो भी यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए इसमें। तो द पॉइंट क्या है एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस कार्ड गेम्स और एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गेमलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, क्या बोल दिया यहाँ पे ऑफ एनी फॉर्म बोल दिया, कोई भी विनिंग्स होगा जो भी हम लोग को ऑनलाइन मिला है यहाँ पे उसका नाम लिखा नहीं होगा सब भी उसमें इंक्लूड होगा, आप अगर घर में बैठ के कार्ड खेल रहे उसमें भी लगना चाहिए, अगर कोई देख रहा होगा तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में आ गया कि एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी, एसएससी को पैसा मिल रहा है फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का जो बात हुआ था तो यहाँ पे आ गया प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड हो गया, ये सब का भी हम लोग को टैक्स में लगना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में आ गया कि एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी,
अभी बताइए कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? कीमेन मतलब हो गया कि कोई भी एक पर्सन जिसका ऊपर क्या है कंपनी डिपेंडेंट है, बा उसका क्या है उसका फेस है वो उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस इंसान का क्या होता है इंश्योरेंस कराया जाता है। अभी वो इंसान क्या हो गया कुछ हो जाने से उसका जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है वो क्लेम किसको मिलेगा कंपनी को मिलेगा, जाके क्या होता है वो बाद में जाके उस इंसान को रिप्लेस कर पाए उसी पैसा से, ठीक है। तो उस ये पैसा किसको मिलता है कंपनीज को मिलता है, एंटिटीज को, प्राइवेट जो भी हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म होता है उन सबको मिला जाता है। तो ये भी पैसा अगर किसी को मिल रहा है फॉर द डेथ ऑफ अ कीमेन तो भी कीमेन को नहीं लगेगा वो पैसा, पैसा किसको मिल रहा है अल्टीमेट यूजर कौन है कंपनी फॉर्म जो भी इंडिविजुअल को मिल रहा है उनका ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज होगी अभी हम लोग को। सब्सिडी भी अगर होता है कोई भी अगर हम लोग को मिलता है गवर्नमेंट से, सब्सिडी किसको मिलता है कोई भी अभी क्या हो गया कंपनी है, कंपनी ने कुछ एक अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या बोला है कि आपने खुद से कुछ भी चीज प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस क्या करो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपने बनाना है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप प्रोड्यूस करो, आपको हम लोग ने क्या करेंगे फाइनेंस करेंगे कि आपने 100 रुपया लगाना है हम आपको 30 रुपीज का सब्सिडी देगा, आपको हमने एक क्लास 100 रुपये का हमने क्या किया लोन दे दिया और उसका साथ में क्या किया कि जो 30% है वो 30% हम माफ कर देंगे, इनडायरेक्टली क्या हो गया वो 30% हम लोग को मिल चुका है उसका बेनिफिट, तो इसको भी टैक्स में लेना है। कोई भी सब्सिडी अगर हम लोग को मिल रहा है और उसका इंटरेस्ट हम लोग को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा तो ये बेनिफिट हमने ले लिया इनडायरेक्टली, तो इसका इसको भी हम लोग को टैक्स में लाना होगा, ठीक है। फिर बाद में आ गया क्या इनकम में भी हम लोग का काम खत्म, फिर बाद में हम लोग को जाना है इंडिया का डेफिनेशन में। इंडिया का डेफिनेशन कितना है सामने है, ये कितना है 25 ए में है, इंडिया मींस द टेरिटरी, ठीक है। अभी हम लोग को पता चल गया कि टैक्स लगना चाहिए, किस किस का ऊपर लगना चाहिए ये भी पता चल गया। अभी कोई भी एक इंडियन वो कहाँ पे रहता है दुबई में रहता है, जैसे कि अभी पकड़ लीजिए अक्षय कुमार कौन था पहले कैनेडियन सिटीजनशिप में था, तो अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजनशिप होने का बाद में उसका ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है कैनेडा में, तो उसका इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं। इंडियन कोई भी रहता है वो यूएई में रह सकता है दुबई में रह सकता है लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा, कौन कौन सा टेरिटरी में जाके हम लोग टैक्स लगा सकते, कोई भी एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, एसएससी होना पड़ेगा, एसएससी पता चल गया, इनकम भी पता चल गया। अभी हम लोग का क्या होना पड़ेगा कानून का हाथ कितना लंबा हम लोग को देखना है कि इंडिया का कौन कौन सा टेरिटरी तक जा सकता है कहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे देखना कि इंडिया मीन्स क्या है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बताना हमको नेक्स्ट क्लास में कि आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है कि आप लोग सोचेगा कि इंडिया का मैप किसी को याद है, सबको याद है, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी हमको बताना है इंडिया का जो भी लोअर पोर्शन होता है वो इस टाइप का है, ठीक है। और इस साइड में क्या है सीज एंड ओशन से, ओशन से या सीज से भरा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है तो यहाँ पे जो भी लैंड सरफेस है अभी हम लोग ये बताएंगे कि जहाँ पे जाके लैंड खत्म हो जाता है जहाँ पे जाके रोड नहीं होता है वहीं पे जाके इंडिया का टेरिटरी है, तो वो डेफिनेशन गलत होगा। इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है जो भी बाउंड्री है वो सबको पकड़ेगा, साथ में जो भी सी वाटरवेज है
वाटरवेज में 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स होता है, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स उस टेरिटरी को इंडिया बोला जाएगा। अभी श्रीलंका से कुछ भी सामान आ रहा है यहाँ पे, तो लेन देन कहाँ हो गया, ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर में हो गया, तो जाके ये भी जो इनकम कोई भी पर्सन अर्न कर रहा होगा उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अभी बात हो गया कि यहाँ से हम लोग को यहाँ पे क्रूज शिप सब जाता है, ठीक है, क्रूज शिप ने क्या किया 12 नॉटिकल माइल्स पार कर दिए, पार करने का बाद में यहाँ पे आके उसने ये ट्रांजेक्शन किया, सेल एंड बाइंग 12 नॉटिकल माइल्स का बाद में क्या है, इसका ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या हो गया इंटरनेशनल वाटर्स में आ गया, अ जोन वेयर नो टू पार्टीज और नो टू कंट्रीज हैव द बाउंड्रीज, ठीक है, यहाँ पे किसी का चलता नहीं है, ये किसी का एरिया नहीं है, तो इस यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग इनकम अर्न करते हैं तो उसका ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये भाग के नहीं जा रहा है, बाय वो इंडियन शिप हो तो पहले लेके चला जाता है पहले। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ पे और एक चीज देखना है कि यहाँ पे एसएससी का बारे में जो भी डेफिनेशन है कि उसको टैक्स पेमेंट करना है, असेसमेंट ईयर में देना है, कौन सा असेसमेंट ईयर में देना है, कब कैलकुलेट करना है, वहाँ पे भी एक पॉइंट है कि कोई भी इंसान अगर इंडिया लीव करके जा रहा है विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्सेस, तो उसको उसी साल में जब भी पॉइंट ऑफ टाइम से वो क्या करते हैं इंडिया छोड़ के जा रहे हैं वहीं पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, जो सीवेज आ गया था हम लोग का, सी बेड सब सॉइल अंडरलाइन सच वाटर्स, उसको भी इंडियन टेरिटरीज में इंक्लूड किया जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एसईजेड बोल के बोला जाता है, अभी कोई भी है आसाम का अंदर में अगर कोई भी हम लोग क्या करते हैं एसईजेड एक बना दिया, एसईजेड में क्या होता है बाहर का कंपनीज लोग भी आके यहाँ पे ऑफिस खोल सकता है और उसको इंडिया का एक बाहर का पार्ट बोल के माना जाता है, उसको इंडिया का पार्ट बोल के माना नहीं जाता, तो उसको भी क्या हम लोग इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे, करना होगा उसको। और एनी अदर मेरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भी है ये सब चीज को भी इंडिया का डेफिनेशन में लाया जाए। अभी हम लोग को देखना क्या था आर्टिकल 1 में इंडिया का डेफिनेशन क्या है, वो भी कहाँ से बोल के आ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोल के दिया है उसको, तो हम लोग को देखना क्या है कि आर्टिकल 1 में इंडिया का डेफिनेशन क्या देखे रखा हुआ है। नेक्स्ट अभी हम लोग को रह गया था इंडिया हो गया, इनकम हो गया, अभी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कितना में है, ठीक है, अभी याद करके रखना, अभी फिर से लिखना होगा स्टार्टिंग में। सबसेक्शन 9, ठीक है, assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year, कोई भी कोई साल स्टार्ट होगा, हम लोग का स्टार्ट कब से होता है, जनवरी से या अप्रैल से, अप्रैल से कोई भी ईयर उसको स्टार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और इसी को अकाउंटिंग ईयर को ही पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट ने इसको अप्रैल क्यों पकड़ा है और जनवरी क्यों नहीं पकड़ा है, जनवरी से तो पूरा आउट ऑफ इंडिया क्या होता है जो भी अकाउंटिंग ईयर चलता है वो कब से स्टार्ट होता है जनवरी टू दिसंबर, यूएसए में क्या चलता है जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर चलता है, इंडिया में क्यों चल रहा है अप्रैल से, और इंडिया में इनकम टैक्स ने फर्स्ट अप्रैल से ही क्यों असेसमेंट ईयर को स्टार्ट किया है, एनी रीजंस, यूके का फॉलो क्यों होता है, यूके का फॉलो जैसे यूएस का तो कैलेंडर ईयर होता है और यूके में शायद नहीं, हाँ वो भी तो है पहला बात, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमको मेरा क्वेश्चन था कि
फर्स्ट अप्रैल को ही इनकम टैक्स ने असेसमेंट ईयर से क्यों स्टार्ट किया, फर्स्ट अप्रैल से असेसमेंट ईयर को क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे पहले से जो ट्रेडिशन चल के आ रहा है, पहले से हम लोग ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग ने अलग अलग कंट्रीज से इंस्पायर होकर हम लोग ने बनाए, तो पहले से ही हम लोग को क्या था कि हम लोग ने जो भी अकाउंटिंग किया है फर्स्ट अप्रैल से किया है, फर्स्ट अप्रैल से अप टू 31 मार्च तक किया है, ठीक है। जब पूरा इंडिया क्या कर रहा है इस अकाउंटिंग ईयर को मान के अकाउंट्स बनाते जा रहा है, तो कंप्यूटेशन हम लोग क्यों अलग करेंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरी बुक्स ही फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक एंड होता है, तो कंप्यूटेशन भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग ईयर, तो इसीलिए हम लोग भी असेसमेंट ईयर को इसी को पकड़ के चलते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बोल दिया, तो मतलब 31 मार्च को ही जाके खत्म होगा। अभी पहला बात हो गया कि ये कब हो गया असेसमेंट ईयर, और फिर हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स को पकड़ लो, वो क्या हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो अगर हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या होता है, अभी क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24, ये अगर हम लोग का भी असेसमेंट ईयर होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स 22-23 होगा, ठीक है। तो ये भी समझ गया, इसका असेसमेंट ईयर का क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, प्रीवियस ईयर का कितना है अभी, सेक्शन 3, और कहीं पे नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेशन कहाँ पे रहेगा, सेक्शन 2 में रहेगा, सेक्शन 2 में प्रीवियस ईयर है कि नहीं, बुक में लिखा होगा जल्दी है, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं होने से नहीं होगा, बताना है हमको। ये कितना है, सेक्शन 34A, सेक्शन 2 34A में 34 में लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर मींस द प्रीवियस ईयर डिफाइंड इन सेक्शन 3। ये एक ऐसा क्या बोलिए कि आप पहले 34 में जाके डेफिनेशन ढूंढना, 34 ने बोला कि कहाँ पे जाओ, दूसरा घर पे जाओ, कौन सा, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में क्या बोल दिया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ओनली प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि हम लोग ने पता कर लिया, वो भी काम खत्म है हम लोग का, ठीक है। तो ये क्या था, सेक्शन 3 में देखना था, और सेक्शन 2 34 भी होगा, तो यहाँ पे खाली एक बोलने से नहीं होगा। ये क्या होता है, ये सब चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स में 1-1 मार्क्स का आ जाएगा। फिर बाद में हम लोग को क्या मिल गया था कि असेसमेंट ईयर जो था, एसएससी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हम लोग देख लिया है, फिर से एक बार देखेंगे। कौन कौन सा सेक्शन हम देखने बोला था ऐसे घर पे, तीन चीज दिया होगा अभी तक, ठीक है। तो यहां पे जो भी है, यहां पे हम लोग ने पहले मिल चुका है कि प्रोसीडिंग चलना होगा, ये मिलना था, फ्रिंज बेनिफिट मिलना पड़ेगा, लॉस सस्टेन करना पड़ेगा, और दूसरा किसी का एक्ट का अंदर में हमको एसेस होना पड़ेगा, और एसएससी इन डिफॉल्ट होना पड़ेगा, ये चीज था, तब जाके हम लोग एसएससी होगा, तब जाके हम लोग को टैक्स पेमेंट करना था। तो इसमें कहीं पे भी अमाउंट का बारे में बोला है, यहाँ पे क्वांटिफाई क्या है, क्वांटिफाई नहीं क्या है, तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि 5 लाख का ऊपर टैक्स लगेगा, 2.5 का ऊपर टैक्स लगेगा, यहाँ पे तो बोला नहीं,
ये चीज कहाँ पे बोलता है, एसएससी का बारे में कहाँ बोलता है, क्वांटिफाई कहाँ होता है, सेक्शन 139 बुक में 139 बोला है, बेसिक्स का चैप्टर में सेक्शन 139 का बारे में बोला है, सेक्शन 139 139 क्या होता है, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम का रिटर्न लगना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया कि हमको पूरा साल में 7 लाख पर इनकम बोल के हमको सैलरी मिल रहा है, तो वो हम क्या किया, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में जाके खुद को खड़ा करके बोलिए कि 7 लाख का हमको इनकम मिल रहा है, आप लगा दो टैक्स लगा दो, तो मान लेगा नहीं मानेगा, वो उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को कि रिटर्न लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिटर्न में क्या बोल दिया कि एवरी पर्सन, पर्सन का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने पता चल गया, बीइंग ए कंपनी और ए फर्म, मतलब कंपनी को भी पर्सन में तो ऑलरेडी इंक्लूड था, तब भी बोल दिया कि जो ना समझ है वो फिर से समझ लो, ठीक है। बीइंग ए पर्सन अदर देन कंपनी को तो लगेगा ही, फर्म को भी लगेगा, और एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म उसको भी लगेगा, इफ हिज टोटल इनकम, इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल, क्या बोलो, हिज टोटल इनकम मिस्टर आर है, उसका बच्चा है, जो एग्जाम्पल हमने देख लिया था कि केबीसी जीत के आया था ये आर जूनियर, ठीक है। तो ये दोनों का क्या होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम इसका इनकम क्या होगा, इसका साथ में लगना पड़ेगा, हिज टोटल इनकम मींस दिस और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन मींस ऑफ विच ही इज एसेसेबल, एसेसेबल क्यों है, सेम पॉइंट्स मिल गया कि एसेस क्यों होना पड़ेगा, डिफॉल्ट होना पड़ेगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट होना पड़ेगा, दूसरा किसी के लिए उसको पकड़ रखना पड़ेगा, तो फॉर द रीजंस बीइंग डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसेसेबल किस लिए था, इसलिए अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में उसका इनकम को देना है, असेसमेंट ईयर में इनकम कितना होगा हम लोग को देना नहीं है, प्रीवियस ईयर को हम लोग को देखना है। कोई भी अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 तो आप 22-23 का इनकम देखेंगे या प्रीवियस ईयर 21-22 का इनकम देखेंगे, 21-22 का इनकम देखा जाएगा। तो जो भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट, एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट कितना है, which is not chargeable to tax, exceed maximum amount which is not chargeable to tax, तो क्या बोला कि कोई भी एक maximum amount है, government ने already quantify करके रखा है कि इतना amount आप earn करेगा तो आपको tax नहीं देना है, तो इसका कितना होता है अभी 2.5 नहीं होता है, 2.5 है, अभी next year से कितना हो जाएगा उसको 3.5 नहीं है, कौन बोल रहा है 5, ठीक है। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब 5 में आएंगे, अभी हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट कितना है 2.5। अभी बहुत लोग क्या हो गया यहाँ पे, सर आपने जिसने क्या हो गया रिटर्न ऑफ इनकम मार के रखा, ठीक है, आपको पता है कि 5 लाख ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है एग्जेम्पशन, कैसा एग्जेम्पशन, बेसिक एग्जेम्पशन जो कि सबको मिलता है, वो सैलरीड इंसान को भी बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, मैं यहाँ पे
क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है उसको भी मिलेगा, और कोई अदर इनकम अर्न कर रहा है उसको भी सेम चीज बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा। वो बेसिक एग्जम्पशन कितना है 2.5, और जो मैक्सिमम अमाउंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है दैट रेफर्स टू दिस 2.5 लाख ओनली। ठीक है, बाद में हम लोग 5 लाख में आएंगे। तो क्या बोला, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, तो मतलब क्या हो गया, किसी का भी इनकम अगर इन एनी प्रीवियस ईयर उसका इनकम अगर 2.1 लाख हुआ तो कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, कितना 4.5, ये कितना है, ठीक है, ठीक लिखा मैं, ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन कितना मिल रहा है हम लोगों को, बेसिक एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है कि आप इतना छूट ले लो, ऐसा कहीं पे है जहां पे कोई भी एग्जांपल बता पाएगा, जहां पे आप घुसा है घुसने के साथ साथ में आपको बोलेगी इतना तो फ्री में खा लो, पुचका वाला होता है, पुचका वाला का पास गया है हाँ बोला एक सूखी पापड़ी दे दो, तो कितना देगा वो मैक्सिमम, एक एक करके सिंगल सिंगल करके सबको दिया, तो दैट सूखी पापड़ी इज योर बेसिक एग्जम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को सूखी पापड़ी कितना दिया है गवर्नमेंट ने, 2.5 का सूखी पापड़ी दिया है कि आप इनिशियल जो भी 2.5 लाख अर्न करेंगे, इनिशियल 2.5 मतलब कैसे इनकम कैसे बढ़ता है, 1, 2, 3, 10, 100 ऐसा कर करके 2.5 होता है, तो आप इनिशियल जो भी 2.5 लाख अर्न करेंगे उसका ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। तो आपने पूरा साल काम किया, काम करने के बाद में आपका इनकम हुआ 2,50,001 रुपीज, और आपको बेसिक एग्जम्पशन मतलब सूखा क्या मिला, पूरी मिला कितना 2.5 लाख का, तो आपका ऊपर टैक्स कितना में लगेगा, 1 रुपया का ऊपर टैक्स लगने चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट बोला है ये 2.5 लाख है, जो कि नेक्स्ट ईयर जाके 3 लाख हो जाएगा। ये जानना आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में एग्जाम नहीं देंगे, आप लोग को इसी साल में देना है, तो आपको याद रखना है 2.5 लाख। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आ गया कि उसका इनकम क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट बेसिक एग्जम्पशन को एक्सीड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब हो गया 2.5 लाख। फिर से इसको ये वाला पार्ट नहीं पढ़ के, ये कौन सा वाला पार्ट, आफ्टर एक्सीडेड उसको नहीं पढ़ के, आप लोग एक बार पढ़ के देखे उसको समझ में आता है कि नहीं। स्टार्टिंग से, एवरी पर्सन बीइंग ए कंपनी और ए फर्म, ठीक है, बीइंग ए पर्सन अदर देन कंपनी और ए फर्म, इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज एसेसेबल अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड 2.5। ठीक है, ये समझ में इजी है। शेल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो ये ड्यू डेट का बारे में बोला है कहीं का अभी तक नहीं बोला है। ये ड्यू डेट कहां पे मिलेगा, सेक्शन 139(1), 139(2), 139(3), 139(4) जो भी सेक्शन 139 होगा वहां पे ड्यू डेट्स लिखा है कि रिटर्न कब कब लगना चाहिए, कौन कौन सा डेट का आगे में लगना चाहिए, कैसे कैसे लगना चाहिए, वो नेक्स्ट में है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट का चैप्टर में, अलग से रहेगा, तो वो नहीं देखना है कि शेल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट का आगे में लगना चाहिए बस। ड्यू डेट में नहीं लगा तो क्या हो सकता है, तो पुलिस आके हम लोग को आपको घर से उठा के लेके जाएगा, क्या हो सकता है। पहला बात कि हम ऑलरेडी लायबल है, आई एम एसएससी बीइंग नॉट पेइंग द टैक्सेस, ठीक है, तो हम एसएससी ऑलरेडी है, एसएससी जब हो गया है तो हमने क्या किया, ड्यू डेट का आगे आके हमने रिटर्न नहीं मारा, इनकम शो नहीं किया, तो मेरा पास क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पहले जितना भी इनकम हुआ है, और उसका ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी बोलता है, इनकम टैक्स लायबिलिटी जो भी टैक्स होगा उसका ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और अगर इन गलत से भी हमने मार दिया, कुछ भी कम करके मार दिया, तब हम लोगों पर पेनल्टी चार्ज होगा। पेनल्टी किस लिए चार्ज होता है, फॉर फ्रॉडुलेंट काम, अगर कोई भी काम करता है आपने कम दिखाया नहीं दिखाया तो ये सब काम के लिए पेनल्टी देना पड़ता है।
वो बात अलग है। तो क्या है, शेल ऑन और बिफोर ड्यू डेट फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो फॉर्म्स अलग अलग होता है, फॉर्म क्या क्या होता है, आईटीआर वन रहता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन रहता है, ठीक है, वन से सेवन तक आईटीआर का फॉर्म रहता है, उसी में आपको मारना है। आईटीआर वन बोलता है कि ये इनकम अर्न करेगा तो आपको ये मारना है, आईटीआर टू बोला है कि आपने दिस काइंड ऑफ इनकम यू अर्निंग तो आपको यही मारना है। तो रेस्पेक्टिव इनकम के लिए रेस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑलरेडी डिफाइंड है एंड वेरीफाइड, वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर, वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने रिटर्न मार दिया, आपने क्या बोला है कि आपका रिटर्न है, आपने क्या किया, आपका कोई भी एक घर का इंसान को आपने बोला कि भाई तुम मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न लगवा, ठीक है, उसने क्या किया उस फॉर्म को फिलअप करके आपने लगा दिया। लगाने के बाद में क्या हो गया, यहां पे क्या बोला, वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेरीफाई करना पड़ेगा कि जिसका पैन है उसी ने इस इनकम को डिस्क्लोज किया है। वेरिफिकेशन कैसे होता है, पहले उसका पहले दो तीन साल पहले से क्या होता था कि कोई भी एक इनकम टैक्स का रिटर्न लगा हुआ है उसको हम लोग सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करके उसको बेंगलुरु में पोस्ट करना पड़ता है। अभी क्या हो गया, आधार से वेरीफाई करना पड़ता है, ई वेरीफाई, आधार मान लिया आपका, आपका पास ओटीपी आ गया, आपने वेरीफाई कर दिया। तो खाली इनकम मारने से नहीं होगा, आपको स्पेसिफिक फॉर्म चूज करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेटिंग फोर्थ अदर सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। फिर उसके बाद में भी हम लोग को देखना है कि और क्या क्या बोला है। प्रोविजंस ऑलरेडी हम लोग को डिफाइन करके दे दिया है। प्रोविजंस मतलब क्या है कि इसका अलावा ये चीज हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लोज बी। क्लोज बी में किसको डिफाइन किया था, जिसका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा था, उस पर्सन को पकड़ा था। तो क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी, मतलब क्या, कोई भी एक इंसान हो जिसका इनकम पूरा साल में 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न, उसको रिटर्न शो करना जरूरी नहीं है इन अंडर दिस सबसेक्शन रिसाइडिंग इन सच एरियाज। तो इस एरिया में अगर वो रिसाइड करता है उसको मारना नहीं है, ठीक है। और उसका क्या है, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000 रुपीज और मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक इंसान है वो क्या कर रहा है, पूरा साल में इनकम 2.5 लाख से अर्न नहीं कर, उसका इनकम कम है, उसका इनकम क्या है 2.5 लाख से कम है, इसलिए उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। लेकिन उसने एक काम क्या कर दिया, पूरा साल में उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो 50,000 से ज्यादा हो गया, जो कि अभी चेंज हो गया है, वो अभी कितना हो गया 1 लाख हो गया। आपको कितना देखना है, 1 लाख देखना है, 50,000 नहीं देखना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इन ए गिवन ईयर he has spent over and above 1 lakh rupees, उसका exemption limit 2.5 लाख से कम है, लेकिन उसने expenditure क्या कर दिया, 1 लाख कर दिया, उसका income पकड़ लीजिए आपने, पूरा साल का income उसने calculate किया 2 लाख, लेकिन ये 2 लाख पाने का आगे में उसने देखा कि मेरा जो भी electricity का expense है वो इतना है। तो ये जो प्रोविजंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस उसको इनकम टैक्स का रिटर्न मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर इट इज एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। और अगर सेम चीज होता है, अगर आपने क्या किया, एब्रॉड किया, बाहर में घूमने के लिए गया है और उस वहां पे आपने क्या किया, ओवर एंड अबव 1 लाख 2 लाख आपने खर्चा कर दिया, लेकिन आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अपना इनकम अपना कम ही है, तब भी आपको रिटर्न मारना पड़ेगा।
तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ज़्यादा कर दिए, आपने फॉरेन ट्रिप मार दिया और उसका एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको रिटर्न मारना पड़ेगा। अगर आपका इनकम तब भी 2.5 लाख से कम हो, ठीक है। तो फिर बाद में क्या बोल दिया, इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड फ्लोर एरिया, इसका नेसेसिटी नहीं है, हम लोग को देखना नहीं है। ठीक है, हाँ सेम चीज यहाँ पे, एक्सपेंडिचर्स का कितना बोला, 50,000 बोल के रखा था, 50,000 रुपीज और मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बाद में आ गया आपका ये जो ऑन ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री, और फिर इज अ होल्डर ऑफ क्रेडिट कार्ड नॉट बिंग एड ऑन, एड ऑन का मतलब नहीं होता, सॉरी क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड आपका पास है और आपने पूरा साल में आपने 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया है और आपका इनकम 2 लाख 2.5 लाख से कम है, तब भी आपको मानना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड होने से भी मानना पड़ेगा आपको। फिर बाद में इज ए मेंबर ऑफ ए क्लब वेयर एंट्रेंस फी इज चार्ज 25,000, तो कोई भी एक क्लब में आप मेंबर है और जिसका एंट्रेंस फीस कितना है 25,000 से ज्यादा है, तब भी आपको मानना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। फिर बाद में है अभी प्रोवाइडेड फॉर, फिर से और एक प्रोविजन है, अभी पहले हम लोगों ने देखे थे किस किस का 2.5 लाख होना पड़ेगा, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया, फॉरेन ट्रेवल हम लोग ने कर दिया, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तब मानना पड़ेगा। फिर से और बोला है कि ये और एक इंसान है जिसको इस कंडीशन में मानना पड़ेगा, कि किसका ऊपर, प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि इस इंसान को टैक्स पेमेंट नहीं करना है, तब जाके ये वाला फर्स्ट प्रोविजन उसका एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट प्रोविजन क्या था, ये वाला है फर्स्ट प्रोविजन, ये वाला सेक्शन सब सेक्शन, ये फर्स्ट प्रोविजन, और ये हो गया सेकंड प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन, फोर्थ प्रोविजन। तो फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा किसका लिए, जब भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके इस पर्सन को एक्सक्लूड करके रख दिया है। तो फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एवरी कंपनी और ए फर्म शेल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, तो इसको मानना ही पड़ेगा। क्या बोले, इनकम अगर कोई भी एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है या कंपनी है, पहले हम लोग ने क्या सीखा था कि उसका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बोलते कि एवरी कंपनी और फर्म उसको इनकम टैक्स मानना ही पड़ेगा, उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में कुछ बात नहीं होता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एवरी कंपनी और ए फर्म शेल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट द रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम और लॉस, इनकम हो या लॉस हो उसको एवरी ईयर रिटर्न मारना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में अभी हम लोग को देखना है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन बींग ए रेसिडेंट, तो अभी हम लोग को फिर से रेसिडेंट भी देखना है कि वो इंसान अभी हम लोग का रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट मतलब क्या होता है, NRI वोट्स देखा है, इसका मतलब क्या होता है, NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। अभी हमको ये नेक्स्ट टॉपिक लिखना है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन का डेफिनेशन लिखा है कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, इसका डेफिनेशन है कि नहीं, अगर है कहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ये रेसिडेंट स्टेटस बाद में देखेगा हम लोग। फिर बाद में क्या बोला है कि उसका कौन से बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी इंसान क्या है नॉन रेसिडेंट, मतलब इंडिया में अप टू ए सर्टेन लिमिट अप टू ए टाइम इंडिया में नहीं रहता, जो कि पहले क्या था 180 डेज इंडिया में नहीं रहने से वो नॉन रेसिडेंट हो जाता, तो क्या हो गया वो इंसान क्या है वो 180 डेज इंडिया में नहीं रहा, बाहर के मैक्सिमम टाइम रहा है। तो अगर वो इंसान क्या होता है, कोई भी एसेट अगर बाहर का कंट्री में होल्ड करके रखा हुआ है
तो उसको इनकम टैक्स मानना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अक्षय कुमार का क्या है, गाड़ी कैनेडा में पड़ा हुआ है, कार इनका है कैनेडा में, तो उसको रिटर्न मानना पड़ेगा, उसका इनकम चाहे कम क्यों ना। फिर बाद में अभी क्या है, इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट, उसको बेनिफिशियरी मिल रहा है, मतलब वो गाड़ी रखा था, गाड़ी उसने क्या कर दिया, रेंट में दे रखा था, वो रेंट का पैसा क्या उसको मिल रहा है, इंडिया में बैठ के मिल रहा है, तब भी जाके उसको देना पड़ेगा उसको। तो ये सब चीज है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर खुद पढ़ सकता तो सही है, नहीं तो ऐसे सीधे नहीं है, इतना ही है अभी हम लोग को। फिर बाद में अभी हम लोग को देखना था फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन खुद से देखने का है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन कंपनी क्या है, कोई भी एक कंपनी है जो इंडिया में नहीं है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर जो भी है वो इंडिया का बाहर है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है कि डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेता है वो कहाँ पे रहता है, इंडिया का बाहर रहता है, तो वो हो गया फॉरेन कंपनी। और बाकी डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में ही है, इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, उसका बारे में बोला गया। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी अगर पेज नंबर 13-14 तक कोई भी टॉपिक अगर टच नहीं हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बोलना है हमको भी। अप टू पेज नंबर 13 यू इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज टेल मी राइट नाउ। ठीक है, सब हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नहीं पढ़ाया था, उसका पेज नंबर सिक्स में लिखा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट था। ठीक है, यूनियन लिस्ट में मैंने बोल दिया था कि इनकम टैक्स कौन ले सकता है, कौन कलेक्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होता है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है या नहीं लगता है। लगता है या नहीं लगता है? एग्रीकल्चरल इनकम कोई भी एक पर्सन अर्न कर रहा है उसका ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर से एग्जांपल हम दे रहे हैं कि यह है मिस्टर आर, पूरा साल में उसने 7 लाख अर्न किया है। ठीक है, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट कितना है, 2.5, ही हैज क्रॉस द बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट, तो इज ही लायबल टू पे टैक्स और नॉट, हाँ या ना? कितना जन बोला यस, कितना जन बोला ना, काउंट करो खुद से। एक और दो, बाकी सब नौ, चलिए इन्फिनिट। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये 7 लाख अर्न किया है तो उसने क्या किया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसने क्रॉस कर लिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहला बात रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जहां पर अभी हम लोगों को यही से पता चलता है कि स्टेट लिस्ट में उसने बोल दिया है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम इज टू बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम इज टू बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो इनकम टैक्स अगर एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम कौन कलेक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो इसको कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं करेगा, तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम तो है, टैक्स कलेक्ट नहीं है, समझ में आया ना? नहीं आया, आया या नहीं आया? लॉजिक नहीं बनना नहीं क्या? ठीक है, कोई भी एक गैंगस्टर का नाम याद है? डॉन सोन किसी का? ठीक है, कौन सा एक मूवी था जिसमें दाऊद इब्राहिम का बारे में हुआ था? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ठीक है, वो देखा है किसी ने? देखा है। तो उसने क्या किया, गोल्ड पूरा बाहर से स्मगल करके इंडिया में बेचा है, और उसका इनकम है 1 करोड़। इसका ऊपर टैक्स लगेगा नहीं या नहीं लगेगा? हाँ, लगना चाहिए। हाँ या ना? लगना चाहिए। तो इसलिए एसएससी का डेफिनेशन सबने पढ़ लिया कि टैक्स इवेंट करना पड़ेगा, पेबल होना पड़ेगा, ये था। इसका अंडर में गिरता है, एसएससी का अंडर में दाऊद इब्राहिम गिरता है या नहीं? है या नहीं? हाँ या ना? सेकेंड, इनकम का अंडर में गिरता है कि नहीं? थर्ड, रिटर्न पड़ा था हम लोग। इनकम इज 234, एसएससी इज 27, पूरा हंसी आ गया, और रिटर्न ऑफ इनकम इज 139। ठीक है, तो एसएससी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो एसएससी है, उसने इनकम अर्न किया है, वो लायबिलिटी टू पे टैक्स है क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। तो फिर एसएससी का हम लोग उसको मानते हैं जब भी उसका इनकम वो लायबिलिटी टू पे टैक्स। तो पहले हम लोग फिर जाएंगे कहाँ पे? इनकम में। उसका ये इनकम है कि तो पहले फिर से डेफिनेशन देखना पड़ेगा। डेफिनेशन में इनकम में क्या देखा कि उसका प्रॉफिट और गेंस होना पड़ेगा। तो ये इसका प्रॉफिट और गेन है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, ये प्रॉफिट है इसका। फिर बाद में उसको 2.5% सबको ट्रीटमेंट सेम करता है। सेम करता है कि नहीं करता वो अलग बात है। बाय लॉ ऑन द बुक्स द गवर्नमेंट ट्रीट्स ईच एंड एवरीवन इक्वली। वो इनकम को भी सेम इक्वली ट्रीट करता है कि कोई भी एक इनकम अर्न किया है तो उसका कुछ एक पोर्शन उनको खिलाओ, चाहे वो लीगल हो या किसी को मार के हो, किसी को सुपारी देके किसी को मार दिया है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है, तब भी आपको उसका पैसा गवर्नमेंट को जमा करना है। ठीक है, अच्छा तो अभी और एक बात है, छोटा मोटा है, अभी 2-3 चीज छोटा छोटा बात क्लियर कर लेते। ये क्या है? एसएससी है, और क्या है ये? पर्सन है। आप बताना है, इज एवरी एसएससी अ पर्सन? सभी एसएससी एक पर्सन होता है या नहीं होता है? करेक्ट, होता है, इंसान ही होना है उसको। पर्सन का डेफिनेशन में क्या मिला था हम लोग को? जो भी था एओपी बीओआई इंडिविजुअल फॉर्म्स जो भी था, सभी पर्सन होता है। एवरी पर्सन इज एन एसएससी? नहीं होता है, क्योंकि एसएससी होने के लिए उसको लायबल होना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन होना पड़ेगा। ये छोटा छोटा चीज है, ये आप लोग को देख लें बस। ठीक है, आज के लिए ये खत्म है। बाकी सब जो भी एग्जाम्पल्स है वो आप लोग को देख के आना है, नेक्स्ट टाइम हमको बताना है, और उसका बाद हम लोग जो भी होगा न्यूमेरिकल्स